The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दिल की जांचों के बारे में अगर आप सोचें तो ECG का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन एक होल्टर एक ऐसा टेस्ट है जिसके बारे में जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। बहुत अच्छे चांस हैं कि आपने इस टेस्ट का नाम सुना भी नहीं होगा, नाम तक नहीं सुना होगा कि एक होल्टर क्या होता है और होल्टर मॉनिटर आपके दिल को किस तरह से और किस चीज़ों के लिए टेस्ट कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, उसका फ़ायदा क्या है, उसके नुकसान क्या है, कई लोगों को नहीं पता होगा। सो आज हम बात करने वाले हैं इसी टेस्ट के बारे में, होल्टर मॉनिटर के बारे में, होल्टर मॉनिटरिंग के बारे में, और क्यों करते हैं होल्टर मॉनिटरिंग, किस केस में करते हैं, किस केस में नहीं कर सकते और किस में फ़ायदा होगा। सो एक होल्टर मॉनिटर ECG का भी बाप है। ECG का बाप मतलब लंबी ECG है, बेसिकली इट्स अ 24 आवर, जितने लंबा होल्टर है, जैसे ECG अगर सुना होगा आपने, ECG इज समथिंग विच यू डू फॉर अ सेकेंड, वो एक पर्टिकुलर सेकेंड भी, मिली सेकेंड, जो भी सेकेंड्स हैं, एक सेकेंड के लिए आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, आपके हार्ट की रिदम पेपर पे उतार लेते हैं, टटक टटक, जो भी जितनी बीट्स आप उतार पाएँ, 10, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड। अगर हम इसी को पूरे 24 घंटे के लिए रिकॉर्ड करें या लंबे समय के लिए रिकॉर्ड करें, घंटों, 18 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, तो उसे हम मॉनिटरिंग कहेंगे, होल्टर मॉनिटर, राइट। ये रिकॉर्ड भी करता है, इंटरप्रिटेट भी करता है, इसको बाद में स्टडी कर सकते हैं कौन कौन सी बीट गलत आई, कौन कौन सी बीट सही आई। तो होल्टर मॉनिटर एक छोटा सा वेरिएबल डिवाइस है, एक छोटी सी डिवाइस है जो आप पहन सकते हो, जो कि आपके हार्ट की रिदम का, हार्ट के ECG का रिकॉर्ड रखेगा, रिकॉर्ड करेगा, और आपको एक या दो दिन, 24 कभी कभी 48 घंटे के लिए भी होल्टर मॉनिटरिंग करा जा सकता है। और इस टाइम पे रिकॉर्ड्स कर सकते, ये पूरा ये डिवाइस आपका हार्ट बीट, आपके हार्ट के अंदर की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है। और आपके पास एक बटन भी दिया जाता है जिसको आप दबा सकते हैं जब भी आपको लगे कि भी कुछ चक्कर आ रहा है, पेन हो रहा है, कोई इवेंट आपको हो रहा है। एंड ये होल्टर मॉनिटर टेस्ट कब किया जाता है? नॉर्मली तब किया जाता है, ऑब्वियसली इससे पहले ECG तो करेंगे, बेसिक ECG के बाद ही होल्टर होगा। सो ECG में गड़बड़ आती है, लगता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कहीं ना कहीं कोई और कारण है, जो हो सकता है इंटरमिटेंटली आ रहा हो, हो सकता है जब आपको कभी चक्कर आते हो तो चक्कर के बीच में ECG या हार्ट की रिदम प्रॉब्लम आ जाती हो। सो मे बी दैट रिदम प्रॉब्लम कैन बी यू नो डिटेक्टेबल बाय अ 24 आवर होल्टर। वो 24 घंटे के अंदर आपको जब चक्कर आते हैं तब ECG उसी समय करना मुश्किल हो जाएगा, उस समय करते करते वो चक्कर खत्म, ठीक हो जाते हैं। सो फिर 24 आवर होल्टर काम आता है जब एक प्लेन ECG में डाउटफुल रिजल्ट्स आते हैं, या फिर ऐसे रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं लेकिन नहीं आ रहे, तो हम फर्दर लंबी ECG करते हैं होल्टर। सो होल्टर के इसमें हार्ट की रिदम प्रॉब्लम को पकड़ा जा सकता है, पश्चात कि उस 24-48 घंटे में रिदम प्रॉब्लम आए। अगर आपको महीने में एक बार रिदम प्रॉब्लम आती है या हफ्ते में एक बार आती है तो होल्टर नहीं पकड़ पाएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि होल्टर पकड़ पाएगा, राइट। सो इफ स्टैंडर्ड होल्टर नहीं पकड़ पाएगा तब दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड होल्टर मॉनिटरिंग डज नॉट कैप्चर योर इरेगुलर हार्ट बीट, योर डॉक्टर में सजेस्ट अ वायरलेस होल्टर मॉनिटर जो कि हफ्तों तक रिकॉर्ड कर सकता है। तो होल्टर एक स्टैंडर्ड वाला आता है 24-48 घंटे, एक हफ्तों वाला आता है जिसको ELR लूप रिकॉर्डर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल लूप रिकॉर्डर, ठीक है। सो पर बेसिकली डिवाइस जैसे बिग बॉस में पहनते हैं माइक, वैसे ही गले में पहना जाता है, राइट, कभी इसमें लटकाया जाता है, कभी ऐसे पहन लिया जाता है, राइट। सो कुछ ऐसे और डिवाइसेस आजकल आ गए हैं, जैसे स्मार्ट वॉच है जो कि ECG को मॉनिटर कर सकते हैं, सिंगल लीड मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन आ गए हैं आजकल।
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों करेंगे, राइट? सो अगर आपको कोई सिम्टम है, किस बीमारी में करेंगे, राइट? अगर आपको कोई सिम्टम है हार्ट प्रॉब्लम का, जैसे कि बीच बीच में धड़कन बढ़ जाती है या इरेग्युलर हो जाती है या फिर अनएक्सप्लेन्ड चक्कर आ जाते हैं, फेंटिंग हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है, चक्कर आए, गिर गए, पता नहीं क्यों, राइट? तो फिर आपको पहले तो ईसीजी करेंगे। अगर ईसीजी में कोई ऐसा कारण नहीं दिख रहा है ईसीजी में, तो क्योंकि एक ब्रीफ नॉन इन्वेजिव सा टेस्ट है, इलेक्ट्रोड लगा दे, हार्ट की रिदम पकड़ ली, लेकिन इसमें नहीं मिला कुछ इरेग्युलरिटीज़, अगर तो फिर आपको होल्टर लगाया जा सकता है। समटाइम्स कई बार ईसीजी ही पकड़ लेगी, ईसीजी ने अगर पकड़ लिया कि भाई हाँ हार्ट की रिदम प्रॉब्लम है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट किया जाएगा उस चीज़ के लिए, जो भी रिदम है और जो भी उसका कारण है उसको ढूंढना जाएगा, उसके लिए और टेस्ट करे जाएंगे। लेकिन अगर साइंस और सिम्टम सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ओकेजनली इरेग्युलर हार्ट बीट आ रही है, तब इस केस में होल्टर किया जा सकता है। ओवर द टाइम होल्टर मॉनिटरिंग कैन ऑल्सो डिटेक्ट इरेग्युलरिटीज जो के ECG नहीं डिटेक्ट कर सकती, तो होल्टर इज एनी टाइम सुपीरियर। होल्टर हार्ट की कंडीशन इस जिसमें अगर कोई रिदम प्रॉब्लम का रिस्क है, मतलब आपको रिदम प्रॉब्लम है नहीं, फेंटिंग है नहीं, चक्कर नहीं आते, लेकिन ऐसी बीमारी है आपको जिसमें रिदम प्रॉब्लम आने के चांसेस, जैसे मान लीजिए आपका हार्ट फैल चुका है, हार्ट एनलार्ज्ड है, हार्ट बहुत कमज़ोर है, या वैल्व प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लीकेजेस हैं जिसमें हमें पता है कि दिक्कत आने वाली है, तब भी किया जा सकता है। सो अच्छी बात यह है कि देर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ दिस टेस्ट। इस टेस्ट के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसमें एक छोटा सा इलेक्ट्रोड लगेंगे, तीन, कभी कभी तीन लगते हैं, कभी दो लगते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स आपको लगेंगे, वो लगे हुए हैं, उसका थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा कि भी इलेक्ट्रोड पहन के घूमना है। हाउएवर होल्टर में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होल्टर मॉनिटर को ध्यान रखना पड़ता है, उसको आपको डैमेज नहीं करना है, उसको आपको गीला नहीं करना है, और अगर आप वायरलेस होल्टर पहन रहे हैं तो उसको आपको बताया जाएगा कि भाई इसको डिसकनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है, नहाना कैसे है, इसके साथ में नहाना है कि क्या करना है, राइट? होल्टर मॉनिटर आर यूजुअली दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कोई इफेक्ट नहीं होता उसमें, लेकिन हमें मेटल डिटेक्टर्स, मैग्नेट्स, माइक्रोवेव ओवन्स, इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट, इलेक्ट्रिकल रेजर्स या इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रशेस से हमें दूर रहना है अगर हम होल्टर पहन रहे हैं उस दिन के लिए। सो ऐसी चीज़ों में, राइट? और सेलफोन्स और म्यूजिक प्लेयर को भी एटलीस्ट 6 इंच दूर रखना है, 6 इंचज अवे फ्रॉम द मॉनिटर, जो उसका होल्टर मॉनिटर का होता है, छोटा सा होता है, इतना सा, मान लो यहाँ है तो एकदम 6 इंच तो दूर रखो उसको कम से कम। सो दैट्स हाउ इट इज़ डन। आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे, टेक्नीशियन लगाएगा, ऑब्वियसली चीज़ है 24 से 48 घंटे तक आपको लगाएंगे। आपको एक डायरी भी बोली जाएगी कि भाई आप अपनी एक्टिविटी रखिए, मे बी आपको अगर कुछ दिक्कत मिलती है, मान लो हमें लगा कि अगले दिन शाम को 5 बजे आपकी ECG में गड़बड़ आई, तो हम पूछेंगे भाई 5 बजे क्या कर रहे थे आप, तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए भाई किस टाइम क्या कर रहा था, कितने बजे से क्या कर रहा था, व्हाटएवर। और उस पर बटन भी होता है, मान लो आपको दिक्कत हुई, आपने बटन दबाया तो रिकॉर्ड हो जाएगा, भाई बटन दबाया, क्यों दबाया था, दिक्कत हो गई थी, क्या हुआ था, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज़। आफ्टर द प्रोसीजर होने के बाद आप 24-48 घंटे बेसिकली आप उसको पहन लेते हो, राइट? उसको लेके आप घर जा सकते हो, घर जाके आप 24 घंटे अपने घर में रह के बढ़िया वापस आ सकते हो, अगले दिन आके आप होल्टर मॉनिटर वापस दे देते हो ई लो जी, तो वो होल्टर मॉनिटर फिर इंटरप्रिटेट कर लिया जाता है, राइट? सो यू रिटर्न द डिवाइस एंड रिजल्ट के लिए वो मॉनिटर का इंटरप्रिटेट किया जाता है, उसमें आपके एक एक जहाँ जहाँ इनएक्टिव, जहाँ जहाँ गड़बड़ी आती है वो पकड़ ली जाती है, वो मॉनिटर पकड़ लेता है आपके ECG के गड़बड़ी से। उसमें 2-3 प्रकार की गड़बड़ियां हैं। एक तो अगर सबसे फास्टेस्ट हार्ट बीट दिखाएगा, मैक्सिमम हार्ट बीट कितनी गई पूरे दिन में, मिनिमम हार्ट बीट कितनी गई पूरे दिन में, रात को ज़्यादातर मिनिमम जाती है, इरेगुलर बीट या पॉज, जी हाँ पॉज भी आता है कभी कभी हार्ट की, इसमें ढक 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 ऐसे पॉज भी आता है, तो पॉज आया, कितने आए, कितना लंबा आया, मैक्सिमम कितना लंबा आया, राइट? ऐसा भी होता है किसी किसी के साथ। और देर आर एक्टोपिक स्किप बीट, एक्टोपिक बीट्स आर ऑल्सो वेरी कॉमन। कई लोगों में बिना किसी बीमारी के एक्टोपिक बीट्स एक दो आ जाते हैं, कईयों में अंदर कोई ना कोई बीमारी होती है तब एक्टोपिक बीट आते हैं। एक्टोपिक बीट का मतलब ही है कि या तो हार्ट का ऊपर छोटा हिस्सा, एट्रियम्स जो हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं, वो उनको जिस जब धड़कना चाहिए था उससे पहले धड़क गए, या तो नीचे का बड़ा हिस्सा जो है
उसको जब धड़कना चाहिए था उससे पहले धड़क गए एक्टोपिक बीट। कभी कभी वो एक साथ एक के बाद एक ढक 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 वीटी हो जाता है कि एक जल्दी 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 धड़कने लग जाते हैं, फड़फड़ाने लग जाते हैं। कभी कभी वीटी हो जाता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, यानी धड़क रहे हैं बस तेज़ धड़क रहे हैं, बहुत नीचे का हिस्सा अपने मर्जी से धड़क रहे हैं। और कभी कभी फिब्रिलेशन हो जाता है कि धड़क नहीं रहे हैं बस काँप रहे हैं। सो ये चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, ऐसी चीज़ों में चक्कर आ सकते हैं, रिदम प्रॉब्लम आ सकता है। तो इससे पता चल सकता है कि आपको क्या रिदम प्रॉब्लम है, उसका क्या कारण हो सकता है, उसका क्या इलाज करना है। ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इवैल्यूएशन, नॉट वन सिंगल थिंग, पूरी दुनिया भर की चीज़ नहीं बता देगा कि हाँ मैं न गड़बड़ इसी वजह से हो रही है, नहीं। उसके साथ और ब्लड टेस्ट करने होते हैं, क्लिनिकल इवैल्यूएशन करना होता है, इको कार्डियोग्राफी, ईसीजी, एवरीथिंग नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड, एंड देन वी डिसाइड ओके दिस पेशेंट हैज दिस प्रॉब्लम एंड दिस नीड्स दिस काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन। सो दिस इज होल्टर मॉनिटरिंग एंड इट यूजुअली कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन, किसी किसी जगह 2,500-3,000 का है, किसी जगह 4,000 का है, कोई 5,000 का है। सो इट विल डिपेंड अपॉन प्लेस टू प्लेस, आप अपनी जगह पता कर लीजिए कितने का है। सो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल हैपन। Thank you so much. If you have any question, please share the video and then ask a question. Thank you so much. पहले वैसे सवाल है नहीं है, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, ओके?